दिल्ली में कोरोना का संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की शनिवार की रिपोर्ट के अनुसार राजधानी में पिछले 24 घंटे में 678 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही पॉजिटिविटी रेट 3.98 के साथ दो लोगों की मौत हुई। वहीं इस रिपोर्ट के बाद दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 3410 हुई। राजधानी दिल्ली में शनिवार को 17037 लोगों का कोविड टेस्ट हुआ, जिसमें 600 से ज्यादा कोविड पॉजिटिव निकले। इसके साथ ही 969 लोगों जो लोग हैं वो रिकवर हुए हैं। इस समय दिल्ली में कोरोना के 2534 मरीज होम आइसोलेशन में हैं और 198 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं दिल्ली में इस समय 73 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं और 8 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। इसके अलावा 80 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं।